हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th की आरडी शर्मा की लाइंस एंड एंगल्स। एक्सरसाइज नंबर है 10.3, पेज नंबर है 10.23 और क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 10.60, दिस इज योर फिगर 10.60, रेज ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। आप यहां पर देख सकते हैं दो रेज हैं, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट ओ। तो यहां पर दो पार्ट आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है डिटरमाइन वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, आपको गिवन है एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2x और एंगल बी ओ सी गिवन है एंगल y। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों एंगल को ऐड करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री क्यों होगा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कई बार, दिस विल फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर का क्या मतलब है, जब आपका एक आर्म कॉमन होता है और जो बाकी दो आर्म है वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपके जब ऐड करेंगे तो दिस विल गिव यू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल एओसी आपको गिवन है, यहां पर देखिए एओसी, तो ये आपको गिवन है 2x और एंगल बीओसी, बीओसी गिवन है वाई। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यानी कि एक्स का जो वैल्यू है वो आपको क्या रखना है, 60 डिग्री। तो यहां पर वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू 60 रखते हैं तो आपको जो वाई का वैल्यू है वो सॉल्व होकर क्या मिल जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे यहां पर, ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो वाई का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। सो इन द सेम मैनर आपको सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करना है, डिटरमाइन एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री। यानी कि इस बार आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और वाई का वैल्यू गिवन है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर से हम कह सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दिस विल फॉर्म अ लीनियर पेयर, है ना। एंगल ए ओ सी आपका गिवन है 2x और BOC आपका गिवन है BOCY। इस बार आपको क्या करना है, Y का वैल्यू पुट करना है, क्योंकि X आपको निकालना है और Y का वैल्यू आपको यहां पर रखना है 40 डिग्री। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करते हैं 180 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2, तो X का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री, है ना, क्योंकि जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 140 डिग्री, और 140 डिवाइडेड बाय 2 दिस विल गिव यू 70 डिग्री। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इन फिगर 10.61 लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट ओ, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ एफ, एंगल डी ओ ई एंड एंगल बी ओ एफ। तो यहां पर तीन लाइन आपको गिवन है जो कि आपस में इंटरसेक्ट करती है ओ पॉइंट पर। आप ये देख सकते हैं तीनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पर, है ना, और आपको एंगल निकालने हैं ये वाले। तो एंगल एओसी आपका ये हो जाएगा, सीओएफ, तो सीओएफ हो जाएगा आपका ये वाला, है ना। फिर उसके बाद डीओई, तो डीओई आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद बीओएफ, तो बीओएफ ये वाला हो जाएगा। तो जैसा कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि ये एंगल आपका 35 डिग्री है, तो इसके जस्ट अपोजिट में एंगल ए ओ सी भी आपका 35 डिग्री होगा। कैसे, एंगल ए ओ सी किसके बराबर होगा, एंगल बी ओ डी, है ना, 35 डिग्री ही होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, हमने कितनी बार पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मान लो ये एंगल एक्स है और उसके जस्ट अपोजिट में एंगल वाई है, तो एंगल एक्स किसके बराबर होगा, एंगल वाई के बराबर, है ना। तो ये वही चीज है बिल्कुल,
तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये एंगल है आपका एंगल AOE 40 डिग्री है, तो एंगल BOF, ठीक है, एंगल BOF भी आपका क्या हो जाएगा 40 डिग्री, है ना। आप क्या बोल सकते हैं, एंगल BOF इज इक्वल टू एंगल AOE, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ये भी कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ये एंगल आपका 40 डिग्री हो गया, ये आपका 35 डिग्री हो गया। तो अब ये जो तीसरा एंगल बचा हुआ है, तो यहां पर आपने एंगल AOC निकाल लिया, ठीक है, ये आ गया आपका 35 डिग्री। एंगल BOF, एंगल BOF आ गया आपका 40 डिग्री। अब बचे हैं आपके एंगल COF और एंगल DOE, एंगल COF और यहां पर बचा एंगल DOE, है ना। अब क्या करना है, देखो AB आपका एक लाइन है, AB आपका पूरा का पूरा एक लाइन है, तो लाइन पर जितने भी एंगल है ऊपर ले लो या फिर नीचे ले लो, बात एक ही है ना, क्योंकि एंगल आपके सेम है। तो अब आपका एंगल बचा है COF और DOE, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हम अगर एक लाइन कंसिडर कर लें AB, ठीक है, इसके नीचे देखते हैं, नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहां पर जब आप देखेंगे तो दो एंगल आपको मिलेंगे 40 और एक 35 डिग्री, और जो तीसरा एंगल है इसको मान लो आप x, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर कहूं 40 डिग्री प्लस x प्लस 35 डिग्री, ठीक है, ये एंगल तीनों का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री, या फिर मैं कहूं कि ये एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना, ये आपके फॉर्म करेंगे लीनियर पेयर। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये आपका एक एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। फर्दर आप इसको लिख सकते हो एंगल 40 प्लस एक्स, और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से जो एक्स का वैल्यू है वो आ जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है, ये आपका 180 माइनस 75 डिग्री होगा, है ना, और ये आ जाएगा आपका 105 डिग्री। तो x का वैल्यू आपका आ चुका है 105 यानी कि 105 डिग्री। तो एंगल x आपका है, आप देख सकते हैं एंगल DOE, तो एंगल DOE आ चुका है आपका 105, और एंगल DOE किसके बराबर है, ये है एंगल आपका COF, COF, और ये भी आपका क्या होगा 105 डिग्री ही होगा। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो आपने देखा कितना आसान तरीका है, सिर्फ आपको इस फिगर को विजुअलाइज करना है और आपके सारे एंगल आपकी आंखों के सामने होंगे। आप यकीन कीजिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपका कमांड अच्छा होता जाएगा इन क्वेश्चन पर। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ए बी सी डी एंड ई एफ आर 3 कॉन्करेंट लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ सच दैट ओ एफ बाइसेक्ट्स एंगल बी ओ डी। इफ एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू 35 डिग्री फाइंड द एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ डी। तो यहां पर आपको तीन लाइन गिवन है, ए बी सी डी एंड ई एफ, ठीक है, और ये तीनों कैसी लाइन है, कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी पॉइंट से दो लाइन या फिर दो से ज्यादा लाइन पास होती हैं, तो उन सभी लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। लेकिन कंडीशन क्या है कि कम से कम दो लाइन होनी चाहिए, किसी भी एक लाइन को आप कॉन्करेंट नहीं बोल सकते, या तो दो लाइन होंगी या फिर दो से ज्यादा होंगी। तो यहां पर आपकी तीन लाइन है और एक ही पॉइंट से पास होती है, तो हम उनको बोल देंगे कॉन्करेंट लाइन। और यहां पर आगे बोला गया है जो आपकी लाइन है ओ एफ, आप देख सकते हैं ओ एफ, ठीक है, ये जो लाइन है ये एक्चुअली बाइसेक्ट करती है, कौन सा एंगल है, एंगल बी ओ डी, बी ओ डी यानी कि ये वाला एंगल, है ना, आप देख सकते हैं इसको बाइसेक्ट करती है। और बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल भागों में बांटना, यानी कि एंगल्स भी आपके बराबर बराबर होंगे। मान लीजिए ये पूरा एंगल आपका 100 डिग्री है, तो दो भागों में ये इक्वल डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब है ये आपका 50 डिग्री होगा, ये भी आपका 50 डिग्री होगा, है ना। अगर x है तो ये x बाई टू होगा, ये x बाई टू होगा, इस तरीके से। और आगे आपको गिवन है एंगल बी ओ एफ, ये गिवन है 35 डिग्री, एंगल बी ओ एफ ये आपको गिवन है 35 डिग्री। इसके बाद अगर हम इन दो लाइंस को कंसिडर कर लेते हैं, ये और ये लाइन, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका मतलब है ये एंगल आपका 35 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपका 35 डिग्री होगा, और ये एंगल आपका बाइसेक्ट करता है इस एंगल को और इस एंगल को, तो यानी कि ये 35 डिग्री है,
तो ये भी आपका 35 डिग्री होगा, है ना। देखते ही देखते ये जो फिगर है आपकी सॉल्व होती जा रही है ना। सिर्फ आपको जो फिगर है उसको विजुअलाइज करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो यहां पर आपके तीन एंगल निकल चुके हैं, ये 35 हो चुका है, ये 35 हो गया है, ये 35 हो गया है। अब आप देखें, अगर हम ये वाली लाइन और इस लाइन को कंसिडर करें, ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट में ये एंगल होगा, है ना। दिस विल बी अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 35 है तो ये भी आपका 35 एंगल होगा, है ना। तो देखते देखते आपके चार एंगल आपके सामने निकल चुके हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, एंगल BOC और एंगल AOD। आपसे पूछा गया है एंगल BOC ये वाला और एंगल AOD। तो लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो लाइन है CD, ठीक है, CD जो लाइन है इसके नीचे आपको देखना है। यहां पर नहीं देखना, ऊपर की तरफ नहीं देखना है, नीचे की तरफ मैं बात कर रहा हूं। जैसे ये एंगल 35 है, ये एंगल आपका 35 है, तो टोटल आपका हो जाता है 70 डिग्री, है ना। और ये एंगल आपको निकालना है। तो अभी क्या करना है, ये जो लाइन है इसके ऊपर आपको लीनियर पेयर फॉर्म कर लेना है। कैसे करोगे, एंगल BOD प्लस एंगल BOC, ठीक है, ये वाला एंगल हम ले लेते हैं। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आपका 180 डिग्री आना चाहिए, है ना। हमने BOD जो टोटल है वो आ चुका है आपका 70 डिग्री, और BOC आपको निकालना है। इसको हम x मान लेते हैं 180 डिग्री। तो जो x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 110, यानी कि 110 डिग्री। तो x क्या है, बेसिकली आपका एंगल BOC इज इक्वल टू 110 डिग्री, है ना। एंगल आपका BOC आ चुका है 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी आपका कितना होगा, 110 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अगर मैं यहां पर कहूँ एंगल AOD, ठीक है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। कैसे होंगे, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इन फिगर 10.62 लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो लाइन है AB, ठीक है, AB, और आपकी दूसरी लाइन है CD, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं O पॉइंट पर, है ना। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो दो एंगल्स का सम आपको 70 डिग्री गिवन है, यानी कि इनमें से कोई भी एक एंगल आपको गिवन नहीं है, दोनों का आपको सम गिवन है। तो एंगल AOC यानी कि ये वाला और BOE, इन दोनों का सम आपको गिवन है 70 डिग्री। एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल BOD ये आपको गिवन है 40 डिग्री, है ना, 40 डिग्री ये एंगल आपका गिवन है। फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। तो आपको एंगल BOE एग्जैक्टली कितना वैल्यू है वो निकालना है, और आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE, यानी कि COE ये वाला एंगल। तो जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में समझा, तो आप यहां पर देख सकते हैं एंगल BOD आपका 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी आपका 40 डिग्री एंगल होगा। कैसे, आपकी दो लाइन है AB और CD, ठीक है, इन दोनों को हम लेके चलते हैं यहां पर, तो ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री ही होगा। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना, आप इस बात को लिख सकते हो। तो यहां पर एंगल AOC आपको मिल चुका है, और यहां पर आपको इक्वेशन गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो जब आप इस इक्वेशन को यहां पर लिखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो एंगल AOC आपको गिवन है 40 डिग्री। तो आप यहां से बोल सकते हैं इसका वैल्यू यहां पर आप 40 डिग्री पुट कर देंगे और एंगल BOE निकल जाएगा, है ना। तो एंगल BOE कितना आ जाएगा, 70 माइनस 40 डिग्री। इसका क्या मतलब है, एंगल BOE आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो यहां पर आपका एक एंगल निकल चुका है एंगल BOE, और दूसरा एंगल है आपका रिफ्लेक्स ऑफ COE।
तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो भी एंगल ये आने वाला है, तो यहां पर आप देखकर बता सकते हैं कि भाई आपका ये तो निकल चुका है 40 डिग्री, है ना, और एंगल आपका बी ओ ई है 30 डिग्री। तो इसका मतलब है टोटल आपका ये 70 डिग्री ऑलरेडी गिविन था, है ना। तो अगर ये आपका 70 डिग्री है तो ये एक लाइन पर है, ये तीनों एंगल आपके एक लाइन पर हैं, ए बी लाइन पर। तो आप कह सकते हैं अगर ये 70 डिग्री है दो एंगल, दोनों एंगल का सम, तो ये एंगल आपका है ना 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए तीनों का सम। तो ये एंगल बचा हुआ 180 डिग्री में से कितना बचा, 110 बचा, है ना, 110 प्लस 70 180 हो गया। तो टोटल आपका ये हो गया 180 डिग्री, क्योंकि ये आपकी बनती है एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल की। अब रिफ्लेक्स एंगल निकालना है सीओई का, तो सीओई का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए इसका मतलब है कि ये जो एंगल है, जो बचा हुआ एंगल है, इस एंगल के अलावा, एंगल सीओई के अलावा जो एंगल बचा हुआ है वो कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना होता है, अगर मुझे निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, तो इसके लिए क्या करना होता है, 360 में से आपको माइनस करना होता है एंगल सीओई, है ना, फिर ये निकल के आ जाएगा। तो जैसे ही आपको मालूम चल गया कि एंगल सीओई है आपका 110 डिग्री, तो 360 में से आप जब इसको माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 250 डिग्री, यानी 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ दिस सीओई इज 250 डिग्री। ओके, दिस इज द आंसर, नॉट द दिस वन, 110 इज नॉट द आंसर, बट आपको रिफ्लेक्स निकालना था, तो जो बाकी वाला एंगल है ना, जो 110 के अलावा जो बचा हुआ है टोटल, है ना, टोटल तो आपका कितना होगा, 360 डिग्री होगा ऑब्वियसली। तो 360 में से बस ये वाला माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल, एंगल सीओई। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है ना। तो कंसेप्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो आई होप कि आप इनका जो आंसर है वो आप कर सकते हैं। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो चलिए अब बात करते हैं लेवल 2 के क्वेश्चन नंबर 12 की। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ अ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि एक पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, ठीक है, मान लेते हैं ए बी आपका एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, ठीक है, और यहां पर आपको एक बाइसेक्टर गिवन है। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ अ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो यहां पर आपका जो बाइसेक्टर है वो है पी क्यू, और इसी के बारे में पूछा गया है कि ये जो बाइसेक्टर है आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर आपको ये जो पी क्यू है प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू है एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का कंडीशन क्या होता है कि जो भी उसके ऊपर एंगल्स है, मान लो ये एंगल आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, तो जो ऊपर वाले एंगल है या फिर नीचे वाले एंगल है, इस लाइन से नीचे नीचे पी क्यू जो लाइन है इसे ऊपर वाले हम लेके चलते हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहां पर बोल सकते हैं एंगल ए ओ सी, यानी कि एंगल ए ओ सी, ठीक है, ये वाला एंगल आपका, ठीक है, और एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल, ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना, ये आपका वर्टिकली पेयर है जो लाइंस हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल आपके इसके बराबर होगा। तो आप यहां पर इसको लिख देंगे एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी, और एंगल एओसी आपका बनता है एंगल 1 और 6 से, तो एंगल 1 और 6 मैंने यहां पर लिख दिया दोनों को ऐड करके, और एंगल बीओडी बनता है आपका एंगल 3 और 4 से, तो आपने उस बात को यहां पर लिख दिया। तो जैसा कि आपको यहां पर पता है कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के और एंगल 1 बराबर होगा एंगल 6 के, तो दोनों ही एंगल बराबर हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं 2, यानी कि x प्लस एक्स, इस तरीके से आप समझिए, ये x है तो ये भी x है, तो आप इसको 2x लिख सकते हैं, या फिर 2 ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं, या फिर एंगल 2 ऑफ एंगल 6 लिख सकते हैं, है ना। इसी तरीके से यहां पर आप लिखेंगे 2 ऑफ एंगल 3, ठीक है, यानी कि y प्लस वाई, इस तरीके से आप इस बात को समझ लीजिए। और जिस तरीके से ये एंगल आपका बराबर हुआ है एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी, उसी तरीके से ये एंगल, है ना, एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर होगा, तो उसी बात को हमने यहां पर लिख दिया है।
और अगर हम बात करें कंप्लीट एंगल की, तो इन सभी एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 360 के बराबर, है ना। आप लोग जानते ही हैं कि जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम क्या होगा, 360 के बराबर होगा। तो मैंने इसी बात को यहां पर लिख दिया, एंगल 1 प्लस 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो जैसे कि आप जानते हैं जो जो एंगल्स इक्वल हैं उनको आपने एक साथ लिख लिया, जैसे 1 और 6 आपके यहां पर बराबर हैं तो हमने उनको एक साथ लिख लिया, 2 और 5 आपके बराबर हैं आप यहां से देख सकते हैं तो उनको आपने एक साथ लिख लिया, और 3 और 4 आपके एक साथ आप लिख सकते हो, यहां से देख सकते हो, है ना, ये भी बराबर हैं, इज इक्वल टू 360 आप लिख देंगे। इसके बाद जिस तरीके से हमने यहां पर लिखा था उसी तरीके से आप यहां पर लिखते जाओगे। तो यहां पर आपको प्रूव करना था एंगल 1 2 3 तीनों का सम आपका 180 डिग्री के बराबर है, है ना, ये जो पी क्यू लाइन है इसके ऊपर वाले जो एंगल्स हैं। तो इसी तरीके से आपको इस फैशन में लिखना है कि आपका जो 2 है वो कॉमन आ जाए, है ना, 2 आपका कॉमन आ जाएगा। आप इस एंगल को लिख सकते हैं एंगल 2 ऑफ एंगल 1, इसको लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल 2, और यहां से आप लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल 3। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 आपका यहां पर आ जाएगा और 2 आपका कॉमन आ जाएगा। तो जैसे 2 कॉमन आता है तो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बच जाएगा, तो यहां से 2 आपका नीचे आ जाएगा, है ना। तो डिवाइड जब आप करेंगे तो इन तीनों का सम आपका 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, और यही बात हमको प्रूव करनी थी। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के आखिरी सवाल की। इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स दस फॉर्म्ड बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस बात को ध्यान से सुनिए कि दो स्ट्रेट लाइन है आपकी, ठीक है, और बीच में एक आपका एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ओ एफ आपका एंगल बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल आपके बराबर होंगे। तो यहां पर इसका मतलब है एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू एंगल ई ओ बी आपको गिवन है, है ना। ये एंगल एक्स है तो ये भी आपका एंगल एक्स होगा, और यहां पर आपको प्रूव करना है कि जो अपोजिट में एंगल्स हैं, यानी कि एंगल ए ओ एफ इज इक्वल टू एंगल डी ओ एफ, ये बात आपको प्रूव करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहीं से स्टार्ट करते हैं जो गिवन है आपको। तो यानी कि ये जो एंगल है एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू एंगल ई ओ बी, इस बात को हम यहां पर लिख लेंगे, ठीक है, और इसको हमने मान लिया है एक्स। तो यहां पर आपको प्रूव करना है कि ये एंगल इसके बराबर है। तो इसके लिए हम वर्टिकल अपोजिट एंगल वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे कि एंगल सी ओ ई, आप यहां पर देख सकते हैं एंगल सी ओ ई किसके बराबर होगा, ये वाला जो एंगल है यानी कि डी ओ एफ, डी ओ एफ दिस एंगल, राइट। इसके बाद एंगल बी ओ ई, बी ओ ई आपका गिवन है एंगल एक्स, आप देख सकते हैं, और इसके वर्टिकली अपोजिट में एंगल होगा ये वाला यानी कि एंगल ए ओ एफ, तो ये एंगल भी आपका एक्स होगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाले रूल से। तो यानी कि आपने इस रूल से प्रूव कर दिया कि ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं, है ना। तो इसलिए आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एंगल ए ओ एफ इज इक्वल टू एंगल डी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स। आपने देखा कितना आसान तरीका है, जो स्टेटमेंट गिवन है उसे आपको यहाँ पर फिगर ड्रॉ करना है और उस फिगर को विजुअलाइज करना है और आंसर आपके सामने होगा। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।